राजस्थान जीके के प्रश्न है आपके सामने है। यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल राजपूत प्रभुता उस्वाई जयसिंह घूमर जो भवाई है, राजस्थान उड़ान योजना कृषि का योगदान पूछा गया, उड़ान योजना पूछी गई, ठीक है। आपको मौर्य काल के जो वीडियो डाले थे गुप्तवाल के, जो भी प्रश्न आए आपके सामने, मत्स्य प्रदेश रणथंभौर 44वां 42वां संविधान संशोधन, लाल सोट कहां है, मरुस्थल का क्षेत्रफल, ये सब पढ़ा हुआ है। लेकिन अब आपके सामने ये सवाल था कि सर यहां पर ये दो प्रश्न आए जैसे असम की जनसंख्या वाला या उत्तर प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न किसी को नहीं मालूम क्योंकि हम इन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं। हम इसको इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे जनगणना का हम याद रखते हैं, तो ये तो पेपर को निर्धारण करते हैं, लेवल को तय करने के लिए आएंगे। लेकिन बाकी तो पशुपालन मंत्री है, मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, ये आपको सब करवाए हुए, तो ऐसे प्रश्न तो आपको करके ही आने पड़ेंगे ना। ये तो हमें पता ही, अभी आयोग से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे किसी ना किसी आयोग के बारे में। फिर आ गया नमक कानून, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस है, तेजाजी मंदिर, मॉनिटर प्रिंटर, बुकमार्क, MICR, GIU, शिवचरण माथुर की पार्टी, स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान, हुमायूं शासक कब बना था। अब कुछ प्रश्न जो विद्यार्थियों की जो मेमोरी में याद रहे, स्मृति आधारित थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है, और जो विद्यार्थियों से मिलना हुआ वहां पर उदाराम सर जो स्कूल के अंदर जो पेपर हो रहे हैं, वहां पर जो विद्यार्थी रिव्यू दे रहे हैं उनका ये कहना है कि उनका कल सेकंड पारी में पेपर था 13 तारीख को, लेकिन आज वह पेपर बहुत खुश है उस पेपर को देकर। उनका यही कहना है कि सर आज वाले पेपर में हमने 120 तक जरूर किए हैं। तो यहां ये कल अपने कह रहे थे नहीं सर कोई सोई करके दिखा देगा इस पेपर के अंदर तो भी हम उसको मान जाएंगे, तो जीवड़ा 5000 तो ऐसा है जिसका 100 ज्यादा ही करके दिखावागा, और 110 भी करके आएंगे, तो 100, 110, 115, 120 तक का ही आपका टारगेट है। दो घंटों में 120 ही होते हैं, क्योंकि पहले जब पेपर लिए जाते थे राजस्थान पुलिस के, उसमें जब दो घंटे का समय होता था तो 120 परसेंट ही हल होते थे। ये मैं खुद स्वीकार करता हूं कि इसमें आपको एक घंटा कम दिया है,